इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के जरिए से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को समझ लेंगे, क्योंकि इसका रोल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा ईजी लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस क्या होते हैं। एन एक्सपेंसिस अनकर्ड इन कैरिंग आउट एन ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे एक्टिविटीज बट नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर एंड टैक्सेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैरी आउट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए, जो हर रोज़ की एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारे खर्चे आते हैं, नॉन डायरेक्टली बट नॉट डायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। डायरेक्टली एक्सपेंस कौन से होते हैं, जैसे आपने कोई परचेज मटीरियल कर लिया, कोई आपने जो सप्लायर्स को डायरेक्टली पैसे पे किए, आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा, कोई आपने डायरेक्टली जो लेबर है उसको मजदूरी दे दी, उसने प्रोडक्ट आपकी जो थी गाड़ी में लोड की तो उसको उधर ही मजदूरी दी। इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, कोई बिजली का आ गया, कोई रेंट पे कर दिया, कोई आपने सैलरीज दे दी एक माह बाद, कोई आपने टैक्स पे कर दिया, तो इस तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ना, ये डायरेक्टली एक्सपेंस नहीं होते, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन मतलब जो आप कोई चीज़ बना रहे हो उसके ऊपर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनका भी खर्चा आता है। जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाई तो आपने दूसरे मुल्क में भेजी या दूसरे शहर में भेजी, उसका जो किराया आया वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसके ऊपर आपने जो टैक्स पे किया वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जिस जगह पे आप चीज़ बना रहे हो उस जगह का आपने किराया दिया, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कोई आपने अपनी मशीनरी को, अपनी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है उसको रिपेयर कराया, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कोई डेप्रिसिएशन मतलब एक आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपये की, एक साल बाद उसकी प्राइस रह गई 80,000 रुपया, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अमोर्टाइजेशन मतलब आपकी जो गुड जो आपकी सह उसकी वैल्यू रीज हुई एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग, फॉर एग्जांपल आपने अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी पेंशन के लिए कोई फंडिंग की है, कोई पैसे जोड़े हैं, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आगे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। अ प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब आपने एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आई 100 रुपये, आपने एक कैलकुलेटर बनाया, आपने रॉ मटेरियल खरीदा और मजदूरी लग गई आपकी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी सारी, वो 100 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई। तो 100 रुपया कॉस्ट आ गई, आपने बेचा 150 रुपये में, तो जो 50 रुपये है ना, जो आपको मुनाफा हुआ है सिर्फ उस प्रोडक्ट पे, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। और जो फॉर एग्जांपल उसी कैलकुलेटर के ऊपर 20 रुपये जो आपका है किराया लग गया, आपने दूसरे मुल्क में उस कैलकुलेटर को भेजा या दूसरे शहर में, तो उसके ऊपर आपका किराया लगा, आपने जो रेंट, जिधर कैलकुलेटर की प्रोडक्शन हो रही थी उधर रेंट पे किया, जो मशीनरी थी वो ख़राब होगी और कैलकुलेटर बनाने वाली उसको रिपेयर करवाया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किए, तो ये सारे जो थे ना फी कैलकुलेटर पे 20 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ी थी। मतलब 100 रुपया कैलकुलेटर बनाने के ऊपर, रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर कॉस्ट आई डायरेक्टली जो इन्वॉल्व थी, और जो इनडायरेक्टली ऑपरेट करने के लिए, जो डेली की एक्टिविटीज़ की ऑपरेट करने के लिए जो हमारा एक्सपेंस आया वो 20 रुपये था। तो अब हमारा रेवेन्यू कितना था, हमने कैलकुलेटर बेचा कितने का, सेल कितने का किया। सेल्स और रेवेन्यू सेम चीज़ होती है, मतलब जितना रेवेन्यू होता है उतनी ही हमारी सेल होती है। तो हमने बेचा कितने का था, 150 का, तो 150 हमारी सेल थी और 150 ही हमारा रेवेन्यू था। तो कैलकुलेटर पे कॉस्ट कितनी आई थी, 120 रुपये, मतलब 100 रुपया हमारा उसको बनाने की कॉस्ट आई, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आई जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, और 20 रुपये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। तो जब 120 को 150 में से माइनस किया, जो 30 रुपये हमारा निकला, जो 30 रुपये हमारा बचा, वो हमारा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेट करने के बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको भी माइनस करने के बाद सेल्स में से जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक तो समझ आ गया होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।